अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइल फॉर डॉर वाशिंगटन FBI ने आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकील माइकल कोहेन के कार्यालय पर छापेमारी की और पॉर्न फिल्म अभिनेत्री को $130,000 भुगतान से जुड़ी सूचना सहित कई दस्तावेज जब्त किया। अभिनेत्री ने ट्रंप के साथ 2006 में संबंध होने के आरोप लगाए थे। छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्रंप ने संघीय जांच एजेंसी FBI पर निशाना साधा और तलाशी को अपमानजनक और अपने देश पर हमला करार दिया। FBI ने कोहेन के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय पर छापेमारी की और वयस्क फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को भुगतान सहित कई विषयों से जुड़े दस्तावेज और व्यापारिक रिकॉर्ड एवं ईमेल जब्त किए। यह भी पढ़ें, अब पोर्न स्टार ने ट्रंप के वकील पर लगाया ये आरोप। अब किया कुछ ऐसा, कई वर्षों से ट्रंप के विश्वास पात्र रहे कोहेन ने 2016 के चुनाव से पहले पॉर्न अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को $130,000 का भुगतान किया था। अभिनेत्री ने दावा किया कि उन्हें यह राशि ट्रंप के साथ उनके कथित संबंधों पर मुंह बंद रखने के लिए दी गई थी। हालांकि व्हाइट हाउस ने आरोपों से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से CNN ने खबर दी है कि तलाशी अभियान की शर्तें बहुत व्यापक थीं। जब्त किए गए दस्तावेजों में बैंक रिकॉर्ड और अभिनेत्री की सूचना से जुड़े कागजात शामिल हैं। यह भी पढ़ें, डोनाल्ड ट्रंप ने पोर्न स्टार के साथ संबंधों पर तोड़ी चुप्पी। कोहेन के वकील स्टीफन रेयान ने कहा कि न्यूयॉर्क में दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने उनके कार्यालय सहित कई सारे तलाशी वाटों को निष्पादित किया और कोहेन और उनके अपने मुवक्किलों के बीच विशेष बातचीतों से जुड़ी सामग्री को जब्त कर लिया। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook और Google+ पर ज्वाइन करें, Twitter पर फॉलो करें।